हेलो मैम, क्या नाम है आपका? हर्षिता। हर्षिता। अनवी। अनवी, मेरा नाम नंदू है। हमारा कैमरा लगा है, एक बार हेलो कर दो। मैं आपसे दो चार क्वेश्चन पूछूँ, आपके मन में जो भी आएगा आपको बताना, ठीक है? एक जगह भंडारा हो रहा था, ठीक है? वहाँ एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक चूहा, तीनों पूड़ी आलू खा रहे थे, ठीक है? ध्यान से सुनना। फिर पीछे से एक बंदर आता है, वो बिल्ली से पूड़ी छीन के ले जाता है। अब बिल्ली के पास कुछ नहीं है। फिर कुत्ते ने क्या किया, अपनी एक पूड़ी दे दी, और चूहे ने क्या किया, एक पूड़ी दे दी बिल्ली को, ठीक है? तीनों ने इक्वल इक्वल खा ली। अब आपको बताना है बंदर किसकी पूड़ी ले गया था? भंडारे की। भंडारे की। भंडारे कौन सी पूड़ी होती है? बिल्ली की। बिल्ली की। सिंपल तो है, इसमें क्या लॉजिक है? किसकी पूरी ले रहे थे? पूरा क्वेश्चन करता है मैंने आपको। इसमें मुश्किल क्या है? बिल्ली की। बिल्ली की। Oh, बिल्ली की। लॉक कर दें? हाँ। बोल दो कैमरे में, लॉक कर दो। लॉक कर दो। लॉक कर दो भाई, अमिताभ बच्चन से 1 करोड़ दिलवा देना इन दोनों को, ठीक है? सही है जवाब? वो आप बताओ। बिल्ली की कोई पूरी होती है, आटे की होती है ना? क्रिकेट में अगर 10 बॉल पे 10 प्लेयर आउट हो जाएं, ठीक है, तो कौन से नंबर का प्लेयर नॉट आउट रहेगा? 11वें नंबर, बट वो तो नॉट आउट ही होता है ना, तो टीम तो आउट ही हो गई। टीम तो आउट हो गई ना अगर 10 प्लेयर आउट हो गए। एक रह गया ना उसमें। कितने प्लेयर होते हैं टोटल? 11। 10 बॉल पे 10 लोग आउट हुए। हाँ। तो कौन से नंबर वाला बच जाएगा? जो रनिंग साइड पे होगा पहले, उसे क्या बोलते हैं? 11वां प्लेयर होगा, बट वो आउट। अरे जो रनिंग पे होता है उसे क्या बोलते हैं? एक तो रनर बोलते हैं। हाँ, एक ओपनिंग। हाँ, वही तो नॉट आउट रहेगा। वो नॉट आउट रहेगा। फिर बॉल के बाद स्ट्राइक चेंज होगी तो वो आएगा नहीं आउट। अबे यार। फिर अब बता नंबर कौन सा होगा, कोई भी गैस कर ले। 10वां प्लेयर? नहीं नहीं, 11वां ही तो हुआ ना। नॉट सामने जो था, जो 10th बॉल खेला। मैं बता दियो। हां, सोचो सोचो, है बहुत सिंपल ये। जो 10th बॉल पे था उसके बाद वाला 6th डाउन वाला नॉट आउट हुआ। क्या? 6th या 5th वाला? 6th या 5th वाला? मेरे अकॉर्डिंग तो 11th ही होगा, बट वो तो नॉट आउट ही है पहले से। 10 में 10 आउट हुए हैं। हां, कौन सा नॉट आउट रहेगा ये बताना है। 6th या 5th है? 6th या 5th? 6th लग रहा है, क्योंकि 7th हो सकता है। 6 तो आउट हो गए पहले, 7th प्लेयर। 7th डाउन होता है ना। 7th। हाँ हाँ, 7th। आप इनसे एक कदम आगे आए हो, अभी और सोचो, क्या पता सही आ जाए। इन्होंने 5-6 बोला था, आप 7 पे आए हो। आंसर है 8। 8 कैसे? एक कमरा है, उसमें सारी चीज़ें लकड़ी की हैं, उसमें पंखे के ऊपर एक मुर्गी बैठी है, ठीक है? आपको बताना है अगर मुर्गी अंडा देगी तो वो कहाँ गिरेगा? कमरा है, लकड़ी की सारी चीज़ें हैं, मुर्गी पंखे के ऊपर बैठी है। हाँ। उसने अंडा दिया तो वो कहाँ गिरेगा? ज़मीन पे। समझ रहे हो? आप पंखुड़ी पर, उसकी पंखे की जो विंग होती है उस पर नीचे ही गिरेगा। आपके मन में क्या आ रहा है, कुछ तो बताओ। कि मैं आप क्यों कर रही हूँ? क्यों कर रही हूँ? सारे क्वेश्चन का ये आंसर क्यों कर रही हूँ? यार सिंपल तो पूछ लो, क्यों ऐसे कह रहे हो? मैं यार क्यों खड़ी हूँ? आप हमारी वीडियो बनवाने के लिए खड़े हो? नीचे गिरेगा ना। लॉक कर दे। हाँ। जब मैं बोलूँ ना लॉक कर दे, इसका मतलब समझ लो आंसर गलत है। मुर्गी पंखे के ऊपर बैठी है, उसने अंडा दिया, सब चीजें लकड़ी की है, लकड़ी का क्या लेना देना, तो कहाँ गिरेगा? पंखे के ऊपर बैठा आ रहा है मन में, सोचो क्वेश्चन में ही। या तो पंखे की पंखुड़ी पे गिरना चाहिए था। अच्छा, 2-3 बार आपने बोला सब चीजें लकड़ी की, तो मुर्गी भी तो लकड़ी की हुई ना। ओह माय गॉड।